पूछा कि रात भर कहाँ थी तुम। अगर सिचुएशन वैसी ही है जैसी मैले कापा यहाँ बता कर गई है तो फिर खुद से क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। समझ से बाहर है तुम्हारा बिहेवियर, अब तक खामोश खड़ी हो तुम। आखिर क्या है ये, गुरूर है, अकड़ है तुम्हारी? नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं, लेकिन जो सच है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप मेरी जगह पर होते तो शायद समझ सकते कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मुकद्दर आंटी के रिश्तेदार फातिमा के घर रात भर रुकने का मुझे मैले कापा के जरिए क्यों पता चल रहा है? क्यों? अगर वाकई ऐसी प्रॉब्लम थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? या तुम्हें परवाह ही नहीं है, या फिर ये कोई और ही मामला था, या कोई और ही प्लान था जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या चाहती हो तुम, क्या इरादा है तुम्हारा? अगर मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, हर फैसला तुम्हें अपनी मर्जी से खुद ही करना है, तो तुम क्यों हो आखिर मेरे घर में? ना मैंने तुम्हें बुलाया, ना ही शादी की इल्तिजा की तुमसे, बल्कि यहां तक कहा कि खत्म करो और जाओ, मगर तुम मुसलसल यहीं रही, नहीं गई। अब बताना होगा कि यह सब क्या है। एक बात बता दूं तुम्हें, जो भी मामला है, रात भर तुम जहां भी रही मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, समझी? मगर बदकिस्मती से तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा है। अगर इस नाम ने हाथ शादी को वाकई कायम रखना है तो तुम्हें अपने नाम से जुड़े हुए इस नाम का भरम रखना होगा। समझ लो ये बात, समझ आ गई ना? इतनी बातें कही मैंने, मगर तुमने अपनी सफाई में एक लफ्ज कहना मुनासिब नहीं समझा। एक लफ्ज नहीं तुम्हारे पास कहने को। एक लफ्ज तो बोल दो कम से कम। मेरी जगह पत्थर होता तो वो भी टूट जाता, बिखर जाता। आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम, जवाब दो। तुमने सिर्फ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, मेरी इंसल्ट भी किया तुमने, शदीद इंसल्ट। मगर मैं किसी तरह से भी इस इंसल्ट को डिजर्व नहीं करता। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। से आखिरी दफा पूछ रहा हूं, खुदा रहा यह आखिरी मौका जाया मत करना। जवाब चाहिए। अगर तुम्हें फातिमा के घर जाना था तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया तुमने? वो दरअसल फातिमा पा,
अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मैं आपा से नहीं मिली बल्कि हॉस्पिटल चली गई थी तो बात और बढ़ जाएगी। हाँ बताओ, तुम क्यों गई फातिमा के घर? यानी तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अहमक हो तुम बिल्कुल आमिर, अहमक। क्यों उसकी मिनते किए जा रहे हो? तुम्हें जरा बराबर अहमियत नहीं देती, वो नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? वापस आ गया, आ जाए। अच्छा तो आप आई हैं आपा। बात हो सकती है? जी बिल्कुल, आ जाए। रियान बेटी, मैं यहाँ तुमसे माजरत करने के लिए आई हूँ। लेकिन क्यों? वो आमिर और तुम्हारे जाती मामले में दखल दिया मैंने। तुम जानती हो ना, इकमल साहब ने अपनी बीमारी छुपाई है सबसे। मैं जानती हूँ, ऐसा ही है। बाहर आमिर की आवाज सुनी मैंने, बहुत चीख रहा था। मुझे लगा तुम यकीनन मुश्किल में हो, तो मैंने सोचा अंदर आकर सिचुएशन को संभाल लो किसी तरह। जानती हो मैं झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें भी झूठ में फंसा दिया मैंने। यकीन करो, उस वक्त से लेकर अब तक टेंशन में हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आपा? आपने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया है। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। प्लीज खुद को इल्जाम नहीं दें, ठीक है? और खुद को ज्यादा परेशान भी मत करें।